रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का आपको बता दें कि चंदौली प्रकरण को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मृतक निशा यादव के परिवार से मिले थे 6 मई को। जी हां, आपको बता दें कि 6 मई को मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया था, 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था और कहा था कि न्याय नहीं मिला तो 12 मई से जिला मुख्यालय पे धरना देंगे चंद्रशेखर आजाद। वहीं आपको बता दें कि आज 12 मई है, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के सामने धरना पर बैठ गए हैं। इसकी जानकारी चंद्रशेखर आजाद अपने फेसबुक पेज पर खुद दिए हैं। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी द्वारा बहन निशा यादव के हत्यारे पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा इत्यादि मांग को लेकर चंदौली जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि आप सभी इसमें अपना समर्थन दें, इस वक्त की बड़ी खबर है।